फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे मैक्सिकन लीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से एटलस और नेकाक्सा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम बात करते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो गाइज एटलस मैक्सिकन लीग में फिलहाल के टाइम पर 8th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें नेकाक्सा फिलहाल के टाइम पर 13th पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए फेवरेट टीम मान चले। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए एटलस को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन बेहतर है, प्लस ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन ही करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। गाइज हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से एटलस ने इस टीम के सामने 3 मैच विन किए हैं और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 2.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी एटलस इस टीम के सामने खेले तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल तक भी स्कोर किया हुआ है, लेकिन डिफेंस टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी इस टीम के सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड कर देती। मान सकते हो इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक परफॉर्मेंस काफी शानदार रहता है हेड टू हेड मैचेस में। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को एटलस इस टीम के सामने इसी के होम ग्राउंड में 3-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में एटलस ने 3 गोल किए, लेकिन डिफेंस सिर्फ 1 भी गोल कंसीड नहीं किया, और उसे भी मुकाबला ये टीम अगेन 5-1 से इस टीम के सामने विन कर गई। अटैकिंग वाइज फिर से 5 गोल किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया, और उससे भी मुकाबला इस टीम के सामने 1-0 से नेकाक्सा विन कर गई, और उससे भी मुकाबला एटलस ने फिर इस टीम के सामने 4-1 से विन किया, और एक मैच नेकाक्सा फिर से इस टीम के सामने 2-0 से विन कर गई। तो गाइज हेड टू हेड मैचेस में अगर रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटलस का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने वो काफी शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो इसीलिए मैं एटलस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइज एटलस ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से सिर्फ 1 ही मैच इस टीम ने विन किया, 2 मैच ड्रॉ खेले और रिसेंटली 3 मैच लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम पर 2 मैच में सिर्फ फिलहाल के टाइम पर 1 गोल कर रही है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी ये टीम एक बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना अपने लेवल की टीम के सामने तो गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस इस टीम का अटैकिंग वाइज थोड़ा सा डाउन, लेकिन डिफेंस काफ़ी अच्छा मान सकता हूँ मैं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एटलस कैरूज एजुल, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है, और उस टीम के सामने टीम 1-0 से मैच को लॉस कर गई। एक मैच चिवास के सामने खेला और ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ भी खेली, और एक मैच इस टीम ने जुआरेज के सामने खेला और उस टीम के सामने ये टीम 2-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में इस टीम ने 2 गोल, लेकिन डिफेंस 1 गोल कंसीड किया, और पाचुका और क्लब तिजोना के सामने टीम 1-0 और 2-0 से मैच को लॉस किए, और पोमास के सामने टीम डिफेंसिव वाइज मैच को ड्रॉ भी खेली। तो परफॉर्मेंस इस टीम का थोड़ा सा अटैक डाउन है, लेकिन डिफेंस में मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसने जितनी भी अपने लेवल की टीम के सामने मैच खेला या तो मैच को विन किया या मैच को ड्रॉ खेला है। अब बात आती है नेकाक्सा का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस नेकाक्सा ने करंटली खेले 6 मैच, जिनमें से 2 विन 2 ड्रॉ 2 लॉस। अटैकिंग वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक जो परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर इक्वली देखने को मिलता है। इस टीम का जो पिछला मैच हुआ था क्लब अमेरिका के सामने खेली और ये टीम 1-0 से लॉस कर गई, और उससे मुकाबले ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ भी खेले, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस मतलब विन भी किए, और एक मैच इस टीम ने लॉस किया और एक मैच इस टीम ने डिफेंस वाइज ड्रॉ भी खेला। तो परफॉर्मेंस इस टीम का डिफेंस थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है फिलहाल टाइम पर, लेकिन अटैकिंग वाइज इस टीम का सेमी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जैसे कि आपको एटलस का देखने को मिला है। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकती है हमारे शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो एटलस की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू नेकाक्सा। नेकाक्सा की थोड़ी सी पोजीशन डाउन है। बात करें हेड टू हेड मैचेस में, तो गाइस एटलस ने इस टीम के सामने रिसेंटली मैच हेड टू हेड विन किए हैं और इस टीम के सामने सिर्फ 2 ही मैच लॉस किए हैं। तो
कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एटलस हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइज अब बात आती है फाइनली अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम एटलस इस मैच में एक गोल तो करेगी ही और इस टीम के सामने शायद एक गोल कंसीड भी कर दे, क्यों, क्योंकि दोनों टीमों का थोड़ा सा डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस इक्वली रहा है। तो मैं मान चलता हूँ इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 1-1 ड्रॉ होगी और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सब उस पर नजर डालेंगे एटलस के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे नकाक्षक जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं एटलस के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ दोस्त, अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस YouTube चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू लाता रहता हूँ। ओके, तो बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम नजर डालते हैं सबसे पहले एटलस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस एटलस की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर जूलियो फॉर्च, इस टीम की तरफ से इसने 10 गोल निकाले और इसने एक गोल किया हुआ है पेनल्टी में। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है और फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी, तो ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, जूलियन है इस टीम की तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है, प्लस असिस्ट पोटेंशियल ये भी काफी हाई रखता है, तो इनको भी टीम में ट्राई करके चलेंगे। दो ही प्लेयर हैं इस टीम की तरफ से जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं, अगर इन दोनों प्लेयर ने गोल नहीं किया तो अधिकतर मैच को लॉस ये टीम कर ही जाती है। ओके, होगो नेयरो इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका, डियागो बारबोसा जिसने 3 गोल किए, लुइस रईस है जो कि आपको डिफेंडर में देखने को मिला, एक लोसकोरी मैच में उनका टीम को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उनका भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने राइट का टिक कर दिया और उन्हें अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डाल रहे हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए कि यहाँ से जूलियो फॉर्च और यहाँ से जूलियन, यही एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इस टीम के लिए। अगर गोल असिस्ट नहीं करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये टीम कहीं ना कहीं लॉस ही कर जाएगी। ओके, जेरो टोरेस इस टीम की तरफ से 4 असिस्ट निकाल चुका, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा प्लेयर हो सकता है। लुइस रईस जो कि 2 गोल और 3 असिस्ट निकाल चुका, और यहाँ से बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आप सब रिकॉर्ड है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं नकाक्षा के प्लेयर्स के बारे में। ओके, तो गाइस नकाक्षक टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर रोड्रिगो अग्यूर है जिसने इस टीम के लिए 7 गोल किए, इसने एक गोल पेनल्टी में किया, लेकिन अलेक्जेंड्रो जेंडाडेस इस टीम की तरफ से 6 गोल कर चुका लेकिन 2 गोल इसने पेनल्टी में किए। अब बात आती है कि यहाँ पेनल्टी कौन लेगा इन दो में से, तो पेनल्टी का ज्यादा चांस तो रहेंगे अलेक्जेंड्रो, क्यों, क्योंकि अगर रोड्रिगो तो कभी कभी तो खेलते भी नहीं मैच में, तो उस कंडीशन में अलेक्जेंड्रो इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर, बैकअप में अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं रोड्रिगो लेते नजर आएगा। लुइस गार्सिया जिसने 4 गोल किए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उनका भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने उनको राइट का टिक कर दिया और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट में देखा जाते हैं यहाँ से रोड्रिगो अग्यूरो जिसने 7 गोल और 4 असिस्ट किए, और यहाँ से अलेक्जेंड्रो जिसने गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, अलियान मदीना इस टीम की तरफ से 2 असिस्ट निकाल चुका, मैक्सिम मिलानो साले जो कि 2 असिस्ट निकाल चुका और डिफेंसिव पॉइंट काफी अच्छे देता है। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का भी आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने रखी है 1-1 ड्रॉ और 1-1 ड्रॉ का अकॉर्डिंग क्या रहनी चाहिए इस मैच में जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइस बात की जाए गोल कीपर में, आपके सामने 2 चॉइस देख मिलेंगे, एक वारगास देखने को मिलेगा और एक यहाँ से मालोगान देखने को मिलेगा, तो इन दो में से किसी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा एटलस के गोल कीपर को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है, अगर इसको 700 तो टारगेट भी दिया जाने तो ये गोल को सेव कर ही लेता है, तो उस कंडीशन में वारगास को टीम में ट्राई करके चलाऊँ। बात करें डिफेंडर में से, लुइस रईस जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, एक लो स्कोरिंग मैच में इनको टीम का कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। एलान एस्कोबोजा ये काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, इसने भी गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया, तो इन दो प्लेयर को अभी के लिए उस कंडीशन में ड्रॉप नहीं कर सकते। ओके, बेन गार्सिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इनको भी ट्राई कर सकते हो, एक लो स्कोरिंग मैच में ये काफ़ी अच्छे प्लेयर रहेंगे, अगर कोई प्लेयर गोल नहीं करेगा तो ये डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे दे जाएंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ से नेयरो को टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि इसने 3 गोल किए हैं और इनको भी आप एक लो स्कोरिंग मैच में एक टीम का कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, नेयरो को पिक कर चलने के बाद हम यहाँ से अदर जो प्लेयर की चॉइस रहेगी, डोमिनिक ह्यूज एक अच्छा प्लेयर है और यहाँ से फोरमिलियानो अगर खेलेगा तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बाकी जितने और भी प्लेयर हैं ना मैं इनको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन शांता मारे एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लगता है मुझे और इनको मैं अपनी टीम में अभी के लिए ट्राई करके चलाऊं। ओके, बात करें यहां से मिडफील्ड में, तो यहां से जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जाल दीवार। ओके, यहां से
जो टोरेस भी जो डिफेंसिव पॉइंट देता है, लेकिन जिसने 4 असिस्ट निकाले हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ से गोंजालेज को अपनी टीम में ट्राई करके चलाऊँ। ओके, तो यहाँ से गोंजालेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी मुझे यहाँ से कोई खास प्लेयर लगता भी नहीं है। अब यहाँ से पॉइंट देखकर आप टीम में ट्राई कर सकते हो प्लेयर को, क्यों? क्योंकि वो प्लेयर ऐसे हैं जो बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देते हैं। मैं यहाँ से किसी भी प्लेयर को अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैड्रिगल एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। लेकिन एलान मदीना, जो कि इसने 3 असिस्ट निकाले, डिफेंसिव पॉइंट इतना खास देगा नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन रोका एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस टीम की तरफ से कभी कभी पेनल्टी ले लेता है, तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। मैं टोरेस और वो जाल दीवार को टीम में ट्राई करके चलाऊँ, बाकी को मैं ड्रॉप। ओके, बात करें सेंटर फॉरवर्ड में, जो यहाँ से जूलियन है और यहाँ से आपको जूलियन फोर्च है, तो ये दोनों प्लेयर मोस्ट वैल्यूबल हैं अपनी टीम की तरफ से। और हमारे पास सिर्फ 2 प्लेयर बचने हैं, और आप 2 प्लेयर किन किन को ट्राई करें अब देखना। मैं यहाँ से अभी के लिए जूलियन फोर्च को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ से जूलियन को बहुत सारे लेके होंगे, लेकिन आफ्टर लाइनअप शायद मैं भी अपनी टीम में पिक कर लूँ, लेकिन वो आफ्टर लाइनअप करूँगा। ओके, गिमिनेज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसने रिसेंटली मैच अपना टीम के लिए अच्छा खेला, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट बेहतर प्लेयर है वो यहाँ से रोड्रिगो अग्यूरे है, जो कि इस टीम के लिए गोल भी कर चुका है, असिस्ट भी कर चुका है। तो इसको कहने के हम ट्राई करेंगे। अब कैसे ट्राई करेंगे, किसी एक प्लेयर को हमें ड्रॉप करना होगा। चलो हम गोंजालेज नहीं, टोरेस को ड्रॉप करते हैं, और हम यहाँ से एक 7.5 क्रेडिट प्लेयर को पिक करते हैं जिसका परफॉर्मेंस मैंने बोला कि अच्छा रहा है। मैं यहाँ से अभी के लिए अग्यूरा को टीम में ट्राई करके चलाऊँ। अब यहाँ जितना और प्लेयर है इनको तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपके सामने जो सजेस्ट करने वाले प्लेयर हैं, मेरे फर्स्ट चॉइस है यहाँ से जूलियन। मैं बोल देता हूँ फर्स्ट चॉइस का मतलब ये है कैप्टन वाइस कैप्टन आप उन्हें बना सकते हो। ओके, यहाँ से बटिस्टा भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये 90 मिनट नहीं खेलता, थोड़ा सा इसका ये झंझट रहता। यहाँ से गिमनेज भी एक ऐसे प्लेयर है, ये 90 मिनट नहीं खेलता, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड को मैक्सिकन लीग हमेशा लॉस स्कोरिंग जाती है। तो उस कंडीशन में अगर लॉस स्कोरिंग जाएगी तो इनके गोल नहीं आएंगे, तो डिफेंसिव पॉइंट नहीं आएंगे, उस कंडीशन में इनको टीम में ड्रॉप कर चलो। ओके, बात करें कैप्टनसी की, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से जूलियन फोर्च कैप्टनसी। और वाइस कैप्टन की बात कीजिए, लुइस रईस एक अच्छा प्लेयर है, और यहाँ से नेरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन मैं यहाँ से अग्यूरो को अभी के लिए टीम में ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन गोंजालेज को जनता बना रही आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से अग्यूरो को रखता हूँ। ओके, तो इस तरह का मेरी टीम का प्रीव्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार प्रीव्यू आपको दिखाया गया है। लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी आफ्टर लाइन है कि कौन सा प्लेयर अटैकिंग पोजीशन खेलेगा, कौन सा प्लेयर डिफेंसिव पोजीशन खेलेगा, उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में डाल दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, और हाँ दोस्त, अगर आपको अदर चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन देनी है तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेंगी ये 2 प्लेयर, थर्ड में जाएगी शांत टमारिया, फोर्थ पे जाएगा आपको यहाँ से स्कोबजा, इनको अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए टेक केयर एंड बाय।